तो हुकूमत ने ईद से पहले आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। ऐसे में शहरियों का रद्देअमल सामने आया है। शहरी फट पड़े हैं, कहते हैं कि बाकी अखराजात पूरे करें या पेट्रोल डलवाएं। तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे जैन अली। जी बिल्कुल, ईद से कबल हुकूमत की जानिब से महंगाई की चक्की में पीसे आवाम पर एक और पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया गया है। गुज़िश्ता रात वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये 78 पैसे तक का इजाफा जो है वो कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये जबकि कैरोसिन ऑयल की कीमत में 5 रुपये और 78 पैसे का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद जो पेट्रोल की जो सरकारी कीमत वो 282 रुपये फी लीटर जो है मुकर्रर की गई है, जबकि लाइट स्पीड डीजल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों को बरकरार रखा गया है। शहरियों का क्या रद्देअमल है, शहरियों से ही पूछते हैं। गरीब बंदा अपने बच्चों की रोटी पूरी करे या पेट्रोल पूरा करे, पेट्रोल महंगा हुआ सब चीज़ें महंगी हो जानी है दोबारा से, जितना पेट्रोल महंगा होगा उतनी महंगाई होगी, गरीब बंदा कहाँ से लाएगा और कहाँ से खाएगा। जी बिल्कुल, आपने इन शहरी की बात सुनी, शहरी काफ़ी नाला जो है वो दिखाई दे रहे थे, कह रहे थे हुकूमत को रिलीफ देने की बजाय पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है। बच्चों, ईद करीब आ रही है, बच्चों को कपड़े लेकर दें, घर का राशन पूरे करें या मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाएं। आमदन में इजाफा नहीं हो रहा जबकि महंगाई में बढ़ती चली जा रही है। जी